दावत-ए-इस्लामी है ये दावत-ए-इस्लामी है। कौन ने फैजान दरवाजा खोलिए। अरे फैजान भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। आए अंदर आए। ये दावत इस्लामी आका की इनायत है। ये दावत इस्लामी दावत इस्लामी। ये तशरीफ रखिए। आज आप मुझे किस बारे में बताएंगे? फैजान भाई, आज मैं आपको दारुल मदीना के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये दारुल मदीना क्या है? फैजान भाई, दारुल मदीना एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल एंड सिस्टम है। इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल एंड सिस्टम, इसका क्या मतलब है जीशान भाई? इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल एंड सिस्टम का मतलब ये है कि दारुल मदीना के स्कूल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कायम है। जीशान भाई, ये बताएं दारुल मदीना के स्कूल कौन कौन से मुल्कों में कायम हो चुके हैं? फैजान भाई, दारुल मदीना के स्कूल पाकिस्तान, USA, UK, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और हिंद में कायम है, जिनमें 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये दारुल मदीना कब कायम हुआ? फैजान भाई, दारुल मदीना का पहला कैंपस 25/1432 हिजरी बा मुताबिक 30 जनवरी 2011 को कायम किया गया। दारुल मदीना की खास बात क्या है? फैजान भाई, दारुल मदीना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके करिकुलम में शामिल हर किताब को इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक चेक करने के लिए शरई तफ्तीश के मरहले से गुजारा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाने वाला कोई सबक, आइडिया या कॉन्सेप्ट इस्लामी तालीमात और अखलाकियात के खिलाफ न हो। जीशान भाई, दारुल मदीना में बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज भी होती है? दारुल मदीना में स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ एजुकेशनल और फिजिकल एक्टिविटीज पर मुश्तमिल कम्पिटिशन करवाए जाते हैं। अहम दीनी, कौमी और आर्मी इवेंट्स के मौके पर दारुल मदीना के स्टूडेंट्स को उस दिन के पैगाम को दुरुस्त अंदाज से समझाने के लिए दारुल मदीना में इवेंट्स के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया जाता है। तलबा में इश्क रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बढ़ाने के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल मिलाद का अहतमाम भी किया जाता है। जीशान भाई, मेरे मामू बता रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अहम है, क्या दारुल मदीना में इस पर तवज्जो दी जाती है? जी हाँ फैजान भाई, दारुल मदीना में तलबा की पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कम्पिटिशन के साथ स्कूल असेंबली में भी प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया जाता है। अच्छा बात बताएं, जो आप घर में इस्लामी किताबें पढ़ रहे होते हैं, क्या ये आपके होमवर्क में शामिल होता है? अरे नहीं नहीं फैजान भाई, ये तो मैं अपनी मर्जी और शौक से पढ़ता हूँ। अच्छा, हमें दारुल मदीना में मुताले की बहुत अहमियत बताई गई है, इसलिए मैं फ्री टाइम में इस्लामी किताबों का मुताला करता हूँ। अब बस मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा। जीशान भाई, दारुल मदीना में कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है? फैजान भाई, दारुल मदीना में इब्तिदा से ही बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने का खुसूसी अहतमाम किया जाता है। प्री प्राइमरी में मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की मदद से कुरान पाक की इब्तदाई तालीम दी जाती है। नाज़रा, कुरान पाक की तालीम के लिए हर क्लास में कारी असाज़ा कराम की खुसूसी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। और फैजान भाई, एक और बात बताऊं, दारुल मदीना में इस्लामियात के तदरीस के लिए दरसे निजामी किए हुए इस्लामिक स्कॉलर्स को अपॉइंट किया जाता है। माशाल्लाह जीशान भाई, अब तो मैं भी अपने अब्बू को कहूँगा मेरा दारुल मदीना में एडमिशन करवाएं। ये हुई ना बात। दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है। दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।